प्रदेश में हुई कई जघन्य वारदात के बाद सरकार ने राजस्व पुलिस से व्यवस्था वाले गांव को रेगुलर पुलिस को सौंपने की योजना बनाई है। आदेश जारी होने के बाद अल्मोड़ा जिले में 2 नए थाने और 3 पुलिस चौकियां खोली गई हैं, लेकिन अल्मोड़ा जिले के धोलछीना में हाल ही में अस्तित्व में आए नए थाने का विरोध शुरू हो गया। विरोध की वजह थाने का आईटीआई संस्था में खोला जाना है। मामले को लेकर विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने थाने को आईटीआई संस्थान के आवासीय भवन में खोले जाने का विरोध किया है। विधायक तिवारी ने कहा कि थाना खोलने का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि थाने को आईटीआई संस्थान के बजाय कहीं अन्य जगह पर खोलने की मांग कर रहे हैं, ताकि आईटीआई संस्था में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई में कोई दखल ना हो। वहीं एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने कहा कि नई भूमि की तलाश की जा रही है, भूमि मिलने के बाद नई जगह पर थाना खोला जाएगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। धौलछीना में जो थाना खुल रहा है उसका हम स्वागत करते हैं, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में तकनीकी शिक्षा को देखते हुए, आज की रोजगार को देखते हुए हमने आईटीआई कॉलेज खोला था और उस आईटीआई कॉलेज में 2 ट्रेड खोले थे, लेकिन वर्तमान सरकार उस आईटीआई को उसके उन्नयन के लिए काम नहीं कर रही है, उसमें नए ट्रेड खोलने का काम नहीं कर रही है और वहाँ पर उसके आवासीय भवन में थाना खोल रही है, तो उसका हमने विरोध किया। हमने कहा शिक्षण संस्थान में थाना ना खोला जाए, अन्यत्र जगहों पर खोला जाए, तो इसको लेकर आज हमने एसएसपी महोदय से अपना विरोध प्रकट किया है। देखिए, इसमें वहाँ पे हमारे जो एसडीएम और सीओ साहब और जो राजस्व और पुलिस की टीम वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ सर्वे किया था, तो जो थाना, जो प्रस्तावित थाना है वो शिक्षण संस्थान से बाहर जो उसका आवासीय परिसर है उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा आवंटित किया गया है, उसमें कराया जा रहा है और भविष्य में हम वहाँ पे ज़मीन की तलाश कर रहे हैं और जैसे ज़मीन हो जाएगा तो फिर नया थाना भी बन जाएगा वहाँ।